बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा, मतलब टॉपिक का ये है कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है 45 डिग्री एंगल के हिसाब से, 30 डिग्री एंगल के हिसाब से और 60 डिग्री एंगल के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉसिकेंट 45, कॉट 45, ये सब वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक रेफरेंस ट्रायंगल ले लेते हैं। रेफरेंस के लिए एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 45 डिग्री के लिए पहले। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसके वर्टिसेस मैं लिख देता हूँ ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। उसके अलावा इसके ऑपोजिट साइड्स के नाम रख देते हैं, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी हो जाएगा, कैपिटल ए के ऑपोजिट स्मॉल ए साइड और बी के ऑपोजिट स्मॉल बी साइड। उसके अलावा ये एंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि जो एक ट्रायंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्रीज़। ठीक है, 90 डिग्रीज़ ये हो गए 90। ठीक है, 90 डिग्रीज़ तो ये हो गए क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो 90 डिग्री होना ही है। ठीक है, उसके अलावा इस एंगल को अगर हम 45 डिग्रीज़ कहते हैं, अगर ये 45 डिग्रीज़ है तो फिर थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल भी 45 होगा, तब जाके इक्वल 180 डिग्रीज बनता है, तब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनती है। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल हो उसके जो है तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। अच्छा, अब ये एंगल हमने ले लिया 45 डिग्रीज का, तो उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 45 डिग्री का है। मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज़ है। अगर रेडियंस में बात करें तो इसको पाई बाय 4 रेडियंस कहते हैं। अच्छा, अब हमने 45 डिग्रीज़ के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस रेफरेंस ट्रायंगल को लेने का मकसद क्या है हमारा। ठीक है, देखें, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ होंगी तो हम इजीली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कि साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज पता हो तो हम सिंपली साइन 45 इज़ इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा वो हम कह देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज ले लेते हैं। जब भी एंगल 45 डिग्री होता है, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में दोनों एंगल्स हैं इक्वल हैं, तो इस केस में ये होता है कि बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब कि इस 45 डिग्रीज के ऑपोजिट जो साइड होगी उसका जो भी मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल होगा किसके, इस 45 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड के। ठीक है, दोनों इक्वल होंगी, तो लेट्स सपोज हम इनको 1 1 कह देते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, बेस की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं बाय पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पिथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो सी
स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 + 1 हो जाएगा और सी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। सी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ लिखते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन, साइन 45 डिग्रीज, साइन 45 डिग्रीज, ठीक है। ये एंगल 45 का है, ठीक है, इसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन इज़ इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, ए है, और हाइपोटेन्यूज सी है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट 2 है। तो साइन 45 इज़ इक्वल टू आ गया, साइन 45 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अच्छा, इसके अलावा हम साइन का इन्वर्स भी फाइंड कर लेते हैं। साइन का इन्वर्स होता है कॉसिकेंट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉसिकेंट 45 डिग्रीज इज़ इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, ठीक है। यहाँ से इन्वर्स हम ले लें तो उसका आ जाता है 1 ओवर अंडर रूट 2 का इन्वर्स बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है, एक साइन की और एक कॉसिकेंट 45 की, ठीक है। साइन 45 और कॉसिकेंट 45 हम फाइंड कर चुके हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं कॉस के ऊपर, कॉस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इस केस में बेस किसके इक्वल है, बेस बी है और हाइपोटेन्यूज सी है, बी ओवर सी हो जाएगा, बी ओवर सी, ठीक है। और बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब कि कॉसिकेंट कॉस 45 डिग्रीज भी इक्वल आ चुका है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो इसके अलावा हम ऐसा करते हैं, कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट 45 डिग्रीज इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो ये दो वैल्यूज भी हमारे पास आ चुके हैं, कॉस 45 डिग्रीज और सीकेंट 45 डिग्रीज, ठीक है। तो अब हम आते हैं टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट 45 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, ठीक है। टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। इस केस में परपेंडिकुलर जो है हमारे पास ट्रायंगल में वो ए है और बेस बी है, और ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, वो पुट कर देते हैं, ए 1 और बी भी 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1, तो इसका इन्वर्स भी हम देख लेते हैं। इसका इन्वर्स होता है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 ओवर 1 हो जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 की जगह कोई और वैल्यूज़ भी लेते तो हम फिर भी इक्वल लेते, ठीक है। अगर मैं ये 2 लूँगा तो ये भी 2 होगा, 4 लूँगा तो ये भी 4 होगा, 10 लूँगा तो ये भी बी की वैल्यू भी 10 होगी। तो रिजल्ट बिल्कुल सेम ही आएंगे हमारे पास, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास हमेशा साइन 45 का 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आएगा, कॉसिकेंट 45 डिग्री का स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, कॉस 45 का रिजल्ट हमेशा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, और सीकेंट 45 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, टेंजेंट 45 का रिजल्ट 1 आएगा, और कॉट 45 का रिजल्ट 1 आएगा। तो ये हमारे पास आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़, जबकि एंगल क्या था, 45 डिग्रीज। अब हम आते हैं 30 डिग्रीज के ऊपर, 30 डिग्रीज, ठीक है। 30 डिग्रीज को हम पाई बाय
सिक्स भी कहते हैं, ठीक है, पाई बाय सिक्स रेडियंस। रेडियंस में बात करें तो ये पाई बाय सिक्स रेडियंस है, और डिग्रीज में बात करें तो 30 डिग्रीज है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि ट्रायंगल दोबारा से मैं ड्रॉ करता हूँ। इसके लिए राइट ट्रायंगल होगी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये 90 डिग्रीज़ का एंगल है, ये 30 डिग्रीज़ का एंगल है, ठीक है, और ये कितना होगा, जिस तरह के मैंने पहले कहा था कि टोटल एंगल जो होते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज़, ठीक है। तो ये अगर 90 है, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 180, 60 डिग्रीज, ठीक है। 180 में से 120 माइनस कर दो तो 60 डिग्री बनता है ये। तो ये 60 डिग्रीज़ है, ये 90 डिग्रीज़ है, और ये 30 डिग्रीज़ है। तो हमने 30 डिग्रीज़ का पहले देखना है कि 30 डिग्रीज़ के हिसाब से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कितनी बनती हैं, ठीक है, क्या होती हैं। तो इस केस में देखें, एलिमेंट्री ज्योमेट्री क्या कहती है, उससे पहले मैं जो है वर्टेक्स के नाम रख देता हूँ, ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है। तो ये ए साइड हो जाएगी, ये सी साइड हो जाएगी, और ये बी साइड हो जाएगी। अच्छा, अब एलिमेंट्री ज्योमेट्री क्या कहती है कि अगर 30 डिग्रीज़ के ऑपोजिट जो भी साइड होती है, 30 डिग्रीज़ के ऑपोजिट जो भी साइड होती है, उसकी लेंथ हाफ होती है किसके, हाइपोटन्यूज से, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हाइपोटन्यूज़ इसकी लेंथ हाफ होगी, ठीक है। ये 30 डिग्री है ना, इसके ऑपोजिट साइड ए है, तो इसकी लेंथ हमेशा इस हाइपोटन्यूज से हाफ होगी। लेट्स सपोज अगर मैं इसको दो कहता हूँ तो ये एक होगा, इसको चार कहता हूँ तो ये दो होगा, इसको छः कहता हूँ तो ये कितना होगा, तीन होगा, ठीक है। तो हम खुद से वैल्यू रख लेते हैं, इसके मैं दो, इसको मैं दो कह देता हूँ तो ये वन होगा, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री ज्योमेट्री। अच्छा, अब हमारे पास सी भी है, ठीक है, ए भी है, बी हमें नहीं पता। तो बी क्या चीज़ है, बेस है, ए परपेंडिकुलर है, और सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। हमें जो है बेस नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ को, जब एंगल क्या है, 30 डिग्रीज़ है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ हों, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तो हम सिंपली जो है उनके फार्मूलाज में पुट करेंगे वो वैल्यूज़, और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, बी फाइंड कर लेते हैं। बी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम, पिथागोरस थ्योरम से। तो पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पिथागोरस थ्योरम, जिस तरह पहले भी हम देख चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस केस में हाइपोटेन्यूज 2 है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी है, बी स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर के बाद प्लस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 है तो ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो बी हमने फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 1 को इधर अगर मैं ले जाऊँ तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनता है 4 माइनस 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, और अगर बी फाइंड हमने करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से हम कह देते हैं बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखें, अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बेस भी, हाइपोटेन्यूज भी और परपेंडिकुलर भी। अब हम ऐसा करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या बनती हैं, साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर इस केस में 1 है और हाइपोटेन्यूज इस केस में 2 है,
साइन 30 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 1/2 डिग्रीज आ गया, साइन 30 डिग्रीज इक्वल टू 1/2 आ गया। उसके अलावा इसका इन्वर्स भी हम लिख लेते हैं, साइन का इन्वर्स होता है कॉसिकेंट, कॉसिकेंट 30 डिग्रीज इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज तो हमारे पास आ गए, साइन की और कॉसिकेंट की, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कॉस 30 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू होगा किसके, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस जो है वो 1√3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो स्क्वायर रूट 3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2, मतलब कि कॉस की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कॉस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, और इसका इन्वर्स जो होता है वो सीकेंट थीटा होता है, ठीक है, सीकेंट 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 2/√3। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है, एक तो कॉस की और एक सीकेंट की। अब हम आते हैं टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज, टेंजेंट 30 डिग्रीज इज इक्वल टू किसके होगा, परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें पता है कि हमारी फिगर में क्या है, परपेंडिकुलर 1 है और बेस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये बन जाएगा 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाती है, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3, और इसका जो इन्वर्स होता है वो कॉट होता है, कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो ये हमारे पास जो है 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। साइन की 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, कॉसिकेंट 30 इज इक्वल टू 2, और कॉस 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, सिकेंट 30 2/√3, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3 और कॉट 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अब ये तो हो गया, 30 डिग्रीज भी हो गया, 45 डिग्रीज भी हो गया, एक एंगल हमारे पास रह गया, ठीक है, एक्यूट एंगल, जो कि 60 डिग्रीज का है, ठीक है। तो 60 डिग्रीज जो है, 60 डिग्रीज को अगर रेडियंस में हम देखें तो वो क्या होता है, पाई बाय 3, उसको पाई बाय 3 रेडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ भी हम देख लेते हैं, तो 60 डिग्रीज़ के लिए भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी हम एक रेफरेंस ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, आल्टीट्यूड, ठीक है, और इसके अलावा ये हो जाएगी उसकी बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है, ठीक है, और ये 90 डिग्रीज है, और दूसरा एंगल कितना होगा, 90 + 60 = 150, और बाकी कितना रह गया, 30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये 30 डिग्रीज एंगल होगा, तो इसका भी नाम हम रख लेते हैं वर्टिसेस का, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, और ये सी वर्टेक्स है। साइड्स के नाम रख लेते हैं, ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये स्मॉल सी हो जाएगा, और ये स्मॉल बी हो जाएगा। अच्छा, अब हमने साइड्स की वैल्यूज़ चाहिए ताकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर सकें, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि देखें, पिछले केस में हमने क्या किया था, एलिमेंट्री ज्योमेट्री के हिसाब से हमने वैल्यूज़ ले ली थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, ठीक है। उसमें जो है यहाँ पर 30 डिग्रीज था, ये 30 डिग्रीज का एंगल था, उसके ऑपोजिट साइड को हमने क्या कहा था कि वो हमेशा हाफ होती है, उसका डिस्टेंस या उसकी उसका मैग्नीट्यूड हमेशा हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस केस में देखें तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो लेट्स सपोज इसको मैं 2 कह देता हूँ, ये हमारे पास 2 है इसकी
इसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का. तो ये एंगल जो है ये 30 डिग्रीज का है. इसका इसके ऑपोजिट जो साइड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके हाफ होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज के हाफ होगा अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री ज्योमेट्री. तो ये हो जाएगा 1, ठीक है. तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका हो गया 1. और अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड नहीं है. तो वो हम फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम. पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए. अच्छा, उसमें क्या होगा कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर. और हमने ए फाइंड करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा और ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है. तो मतलब कि यहाँ हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब हम ऐसा करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. हमारे पास क्या क्या है, साइन साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए ओवर सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और सी की वैल्यू 2 है. तो साइन 60 हमारे पास आ चुका है. साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2. इसका हम इन्वर्स भी देख लेते हैं जो कि कॉसिकेंट होता है. कॉसिकेंट 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, एक साइन 60 की और एक कॉसिकेंट 60 की, ठीक है. तो अब हम ऐसा करते हैं बाकी वैल्यूज़ पे आते हैं, एक कॉस 60 फाइंड करते हैं, ठीक है. कॉस 60, कॉस 60 डिग्रीज, कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटन्यूज के, ठीक है. तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस हमारे पास बी है, ठीक है, फिगर में बी है बेस. और उसके अलावा हाइपोटन्यूज क्या है, हाइपोटन्यूज सी है. तो बेस की वैल्यू हमारे पास है 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, बेस की 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, 1/2 आ गया. तो कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इज इक्वल टू 1/2. अब हम इसका भी इन्वर्स देख लेते हैं जो कि होता है सीकेंट. सीकेंट 60 डिग्रीज क्या आएगा, 2 के इक्वल, ठीक है. तो ये भी हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मज़ीद आ चुके हैं, कॉस 60 डिग्रीज और सीकेंट 60 डिग्रीज. अब हम आते हैं टेंजेंट के ऊपर. टेंजेंट 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ 3 है और बेस हमारे पास 1 है, ठीक है. फिगर में देख लेते हैं, परपेंडिकुलर अंडर रूट 3 है और बेस 1 है. तो ये हमारे पास इक्वल बन गया स्क्वेयर रूट ऑफ 3 के. टेंजेंट 60 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3. कॉट किसके इक्वल होगा, कॉट 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है. तो ये बाकी दो वैल्यूज़ भी हमारे पास आ चुकी हैं टेंजेंट और कॉट की. साइन 60 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2. कॉस कॉसिकेंट 60 इज इक्वल टू 2 बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 3. कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2. सीकेंट 60 इज इक्वल टू 2. और उसके अलावा टेंजेंट 60 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 और कॉट 60 इज इक्वल टू 1/√3. ये तीनों एंगल्स 45, 30 और 60 डिग्रीज को हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, ठीक है. तो इस लेक्चर में हमने यही फाइंड करना था. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे.